इसमें आदिवासियों के जो इंपीरियल टेबल बने हैं दो, इसमें कहीं पर भी कुर्मियों का जिक्र तक नहीं है। लगातार इनको संवैधानिक जो संस्थानों से और जो सरकारों से, जो आपके हाई कोर्ट से भी, चाहे वो झारखंड हाई कोर्ट हो या कोलकाता हाई कोर्ट हो, इनकी जो अपील रिट पटिशन को भी बार बार खारिज किया गया है कि ये अर्हता पूरी नहीं करते आदिवासियों की, तब ये लोग रेल रोको अभियान पे उतर आए। 2023 को हमारे कोल्हान के चुहाड़ विद्रोह के अग्रणी जो क्रांतिकारी वीर, जिनकी आज पुण्यतिथि है, रघुनाथ सिंह जी, उनको नमन करते आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम आगाज करते हैं। जमशेदपुर के इस सर्किट हाउस के सभागार में, और मुख्य मुद्दा है जो अभी ज्वलंत समस्या जो समस्त आदिवासियों के सामने आ खड़ी है, कि एक ऐसा शोषक वर्ग जिन्हें हम झारखंड में और उड़ीसा और बंगाल में भी कुर्मी महतो समुदाय के रूप में जानते हैं, उनका झारखंड अलग राज्य बनने के बाद से जो दावा पेश हो रहा है कि कुर्मी जो है आदिवासी थे और षड्यंत्र के तहत इनको बाहर किया गया, और जो है कि अब वो अपने हक अधिकार की लड़ाई जो है मांग के तौर पे कर रहे हैं। इन्होंने अभी हाल में ही जिस तरह से पिछले वर्ष भी इन्होंने पुरुलिया पश्चिम बंगाल में रेल रोको अभियान किया था 5 दिन तक का, जिसमें केंद्र सरकार को, रेलवे मंत्रालय को हजारों करोड़ के जो राजस्व की हानि तो हुई थी, लाखों यात्रियों को असुविधा भी उत्पन्न की गई थी। उसी तर्ज में इस वर्ष भी इन्होंने जो है अभी 20 सितंबर 2023 से इन्होंने पश्चिम बंगाल, झारखंड के कई पॉइंट्स पे और उड़ीसा में भी इन्होंने अपना ज्ञापन देके ऐलान किया था, जिसका हमने आदिवासी समुदाय ने आदिवासी समन्वय समिति के तहत हमने रांची में इसका फौरी तौर पे जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। और आज जब हम यहाँ कोल्हान पे बैठे हैं, तो यहाँ पर कोल्हान के जितने भी सामाजिक संगठन हैं जो इस बात का विरोध बार बार कर रहे हैं कि जो हमारे प्रति जिन्होंने शोषण किया है इतने वर्षों तक, हमेशा से जो हमें से हमको नीचा दिखाने का प्रयास किया और समझते भी आए, इनका दावा बिल्कुल भी निराधार है। आज की डेट में ये 1913 का एक गजटियर का कॉपी दिखाते हैं कि आदिवासियों के साथ हमें उस लिस्ट में, जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो संपत्ति पे अधिकार के लिस्ट में जो शामिल किया था, सिर्फ एक वो गजटेड का कॉपी दिखाते हैं। मगर हमारे पास, हम आदिवासियों के पास भी वैसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें 1910 में जो संथाल प्रगना में जो सेंसस का रिपोर्ट बना था 1910 में, इसमें इनको जो है संथाल प्रगना में खेतीहर और चरवाहा जो है जाति में रखा गया था, और आदिवासियों की जो संथाल, सौर पहाड़िया, माल पहाड़िया और दूसरे आदिवासियों को अलग लिस्ट में रखा था। इसके अलावा जो है 1921 में भी जो ये सेंसस रिपोर्ट आया, उसमें कुर्मियों को अलग कुर्मी क्षत्रिय जो है कास्ट में इनको रखा गया है, और इनकी जनगणना का रिपोर्ट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। 1931 में जो बिहार उड़ीसा का जो संयुक्त जो सेंसस रिपोर्ट हमारे हाथ में है, इसमें आदिवासियों के जो इंपीरियल टेबल बने हैं दो, इसमें कहीं पर भी कुर्मियों का जिक्र तक नहीं है। अब ये बोलते हैं कि इनके खिलाफ में षड्यंत्र किया गया, इनको आदिवासी लिस्ट से हटा के। तो षड्यंत्र आखिर किसने किया? जब एक तरफ ये अपने आप को कुर्मी क्षत्रिय घोषित करते आए हैं,
1894 में इन्होंने जो है ब्रिटिश हुकूमत के सामने में ये दावा किया कि हम शांति के समय में किसान और युद्ध के समय क्षत्रिय समान, तो हमारे अधिकार जो हैं ब्रिटिश पुलिस फोर्स में नौकरी पाने के बनते हैं। अब जब ये हमारे जो पूर्वज रहे रघुनाथ सिंह जी के, उनके महत्व को, उनका जो चुहाड़ विद्रोह का जो उसमें ये क्रेडिट लेते हैं कि रघुनाथ महतो उन्होंने पहले किया, तो ये इससे यहाँ आदिवासी समाज जो है पूरे झारखंड भर में इससे आक्रोशित है, क्योंकि इस धरती पे आदिवासियों का जो है विस्तृत रूप से बहुत लंबे समय से वो मुगलों से लेके अंग्रेजों से जो संघर्ष का जो कहानियाँ लिखी गई हैं, जो क्रांतियों की जो कहानियाँ जो लिखी गई हैं, उसमें ये पहले कहीं नहीं थे। इनको जो है आज़ादी से पहले भी ये जो है सूची से बाहर थे आदिवासियों के, और आज़ादी के बाद जब 1950 में गवर्नमेंट ऑफ ऑर्डर का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जब ऑर्डर निकला, उसमें इनको स्पष्ट रूप से पिछड़ी जाति के सूची में डाला गया। चुपचाप थे उस समय। उसके बाद फिर 1955 में भी जब काका कालेकर कमीशन के द्वारा भी जो सूची बनी, उसमें भी इनको पिछड़ी जाति में रखा गया। उसके बाद 1965 में जो जस्टिस बीएन लोकुर, उनकी जो कमिटी बनी और उसमें जो मानक तय किए गए, 5 मानक तय किए गए, उसके अनुरूप भी इनको नहीं पाते हुए इनको पिछड़ी जाति में ही रखा गया। उसके बाद 1972 में जो मंडल कमीशन के द्वारा इनको पुनः इनको पिछड़ी जाति में ही रखा गया, क्योंकि ये कभी भी आदिवासी समाज से तो इनका कोई गुण और ये जो है वो सब मेल नहीं खाता था, और ये चुपचाप रहे इतने दिनों तक। इनफैक्ट जब पेशा कानून का जो है प्रतिवेदन संसद भवन के पटल में रखा गया, तब इन्होंने कि आदिवासी अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों को व्यवस्था में प्राथमिकता दी जाएगी, तो अपने कोल्हान के यहाँ से जो उस समय तत्कालीन सांसद शैलेंद्र महतो जो थे और रांची जिला के जो राम टहल चौधरी जो सांसद थे, इन्होंने इसका पुरजोर विरोध वहाँ पर संसद में किया कि आदिवासियों को व्यवस्था में प्राथमिकता नहीं मिलनी चाहिए, जबकि वो स्पष्ट रूप से अनुसूचित क्षेत्रों की ही बात आ रही थी। मगर अब 4 वर्ष बाद ही जब झारखंड अलग राज्य बनता है और इसको 5वीं अनुसूची का दर्जा मिलता है, तो अचानक इनकी आदिवासियत जाग पड़ती है, और इन्होंने 2001 में रांची में एक महारैली का आयोजन किया और अपने आदिवासी का दावा ठोकते हुए इन्होंने मांग रखी, जिसके तहत जो है झारखंड सरकार ने अर्जुन तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी के समय में ये आवेदन का जो उनको बढ़ाया गया था, उनके तरफ से ये निर्देश हुआ TRI को, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट को, कि शोध किया जाए कि कुर्मी आदिवासी हैं कि नहीं, और उस प्रतिवेदन का ये नतीजा स्पष्ट रूप से निकला है कि सनातनी हिंदूवादी मनुवादी प्रवृत्ति और जो संस्कृति में ढले हुए लोग, कहीं से भी इनका जो है गोत्र जो आज इन्होंने 81 बना लिए हैं, उस रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 21 हैं, और वो भी सनातनी गोत्र हैं, भारद्वाज और चंद्रवंशी, इस तरह के जो रघुवंशी, इसी तरह का, क्योंकि हमारे पास एक वो भी रिपोर्ट है जो बिहार के जो कुर्मियों ने किया है कि जो है रामानदी जो पंथ में से एक जो कुर्मी लव और कुश जो श्री राम के जो पुत्र थे, उनका जो है इनके अपने वंशज अपने आप को बताते हैं, तो इस तरह का इनका सारा जो है आपका लाइन चला आया है। और अब जो है उसी, क्योंकि बार बार ये मांग उठा रहे थे, और इनका 2008 में भी उसी प्रतिवेदन जो TRI के प्रतिवेदन के अनुसार इनकी मांग को खारिज किया गया, और हाल में ही 2020 में भी इसको पुनः दोहराया गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कुर्मी जो है वो झारखंड में विशेष रूप से अपने इस आदिवासी जो दर्जे की मांग क्यों कर रहे हैं, तो ये स्पष्ट रूप से जो है राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि 2000
में जब अनुसूची पांचवी अनुसूची का दर्जा झारखंड को मिला तो ये स्पष्ट इनको समझ में आ गया कि एक आदिवासी समुदाय का ही व्यक्ति मुख्यमंत्री की सीट पे बैठ सकता है। इनकी सारी जो है रणनीति वहीं से शुरू हुई है और आज ये बात जो आई है कि जो लगातार इनको संवैधानिक जो संस्थानों से और जो सरकारों से जो आपके हाई कोर्ट से भी चाहे वो झारखंड हाई कोर्ट हो या कोलकाता हाई कोर्ट हो इनकी जो अपील रिट पटिशन को भी बार बार खारिज किया गया है कि ये अर्हता पूरी नहीं करते आदिवासियों की, तब ये लोग रेल रोको अभियान पे उतर आए। इन्होंने सोचा कि इस तरह से हम सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे और अपना जो है काम हो जाएगा, और निश्चित रूप से हमने देखा है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का भी इनको जो पिछले साल जो इन्होंने रेल रोको अभियान किया था 5 दिन के में एक व्यक्ति के ऊपर भी एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ। आप सड़क पे या मैं भी अगर मैं सड़क जाम कर दूं तो मुझे उठा के पुलिस ले जाएगी, एक कार्रवाई तो होगी, केस बनेगा, मगर इनके ऊपर नहीं हुआ। इस बार भी इन्होंने बड़े टाल ठोक के जो है पश्चिम बंगाल में झारखंड में जगह जगह जहां पर इन्होंने अपने पॉइंट्स बनाए और उड़ीसा में भी जो है जहां, जबकि उड़ीसा की गवर्नमेंट ने भी 2014 में इनकी जो इस दावे को खारिज किया है तो वहां पर भी इन लोगों ने ज्ञापन देके अपना जो है दावा पेश किया है कि हम लोग रेल रोको अभियान अनिश्चितकालीन अनिश्चितकालीन एक दिवसीय भी नहीं अनिश्चितकालीन की जो धमकी दी इन लोगों को, इन लोगों ने हमने देखा कि कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है तो हमने 19 तारीख को रांची में ही इसका फौरी जवाबी कॉन्फ्रेंस करके और इसका जो बात उठाई कि कहीं ना कहीं मौन स्वीकृति और समर्थन जो है सरकार की तरफ से है। और जो अभी हम लोगों ने देखा कि भले ही वो स्थगित करना पड़ रहा मगर 12 घंटे भी नहीं गुजरे और इनको राज्य सरकार मुख्य सचिव के यहाँ से न्योता आता है कि आइए बैठिए हम आपकी बातों को सुनना चाहते हैं। आदिवासी समाज को कभी भी इस तरह का नहीं उन्होंने कहा कि अब हम दो तरफा इस तरह की बातों को रखने की हम मौका देते हैं, सिर्फ एक पहलू यहाँ पर देखा जा रहा है। तो हम इस बात का प्रतिकार करते हैं, विरोध करते हैं, कड़ा विरोध करते हैं कि जो आदिवासी जिन्होंने अपनी सभ्यता संस्कृति अपनी जो आदिवासियत के ऊपर हमेशा गर्व किया, जो हमारे पूर्वजों ने हमारे जल जंगल जमीन हमारी व्यवस्था संस्कृति को बचाने के लिए जो कुछ किया, हमें हमारे साथ षड्यंत्र नहीं हुआ, हम लोग पहले भी आदिवासी थे अपनी व्यवस्थाओं के बदले, जबकि हमको संविधान के 13(3)(k) में जो जगह दी गई हमारे रूढ़िवादी परंपरा को, हमारे 244 अनुच्छेद में जो हम लोगों को 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची का दर्जा हमारे उन्हीं हमारे अपने वीर पूर्वजों के बदौलत मिली है, आज हम लोगों को धत्ता बताया जा रहा है, हम लोगों को दोयम दर्जे का जो है नागरिक यहाँ दिखा के हमारी बातों को सुनने के लिए क्यों नहीं पहल की जा रही है। पहले तो आदिवासी समाज से सुनना चाहिए था कि आदिवासी समाज क्या चाह रहा है, कि इनको वो अपना भाई मानता है कि नहीं मानता है। निश्चित रूप से जिन्होंने हमारा शोषण किया, हमें नीचा दिखाया, हमारी ज़मीनों को हड़पा, आज ये बोलते हैं कि इतना, मगर बहुत सारे केसेस जो आज मैं यहाँ पर कुछ एक ही लेके आई हूँ, ऐसे बहुत सारे हैं जहाँ पर इन्होंने हमारे आदिवासी भाइयों की ज़मीनों पर कब्जा किया है और इनके नेताओं ने भी किया है, आम नागरिक ने भी किया है, नेताओं ने भी किया है, ये हम लोग के सबके संज्ञान में है। और इसलिए हम लोग किसी भी तरह से इनके जो है दावे को हम लोग निराधार और फर्जी मानते हैं, और अगर इस तरह के दबाव में सरकार आके इनको दर्जा देती है तो आदिवासी दर्जा देती है तो निश्चित रूप से हमें जो विनाश की तरफ ढकेला जाएगा। और जो इसका विरोध में एक बार तो हम लोगों ने देख लिया अभी हाल में ही मणिपुर में जिस तरह से मैती और जो कुकी आदिवासी समुदाय के बीच में जिस तरह का संघर्ष जो पूरी दुनिया ने देखा, क्या विनाशकारी वहां पर मंजर बना है, यहां तो 32 आदिवासी हैं, क्या होगा यहां पर, क्या करना चाहती है सरकार, तो ससमय इस पर रोक लगाए
और जो पुराने जितने भी यहाँ पर शोध पत्र और जो रिकॉर्ड्स हैं, ऑन रिकॉर्ड्स जो भी इनके बारे में जो बातें आई हैं उस पे ध्यान दें। हमें तो सुनने में आया है कि टीआरआई में ही जो बैठ के एक शोधकर्ता ने राढ़ सभ्यता की भी जो है गणना कर दी है। राढ़ सभ्यता हमने कभी नहीं सुनी थी, किसी ने नहीं सुनी थी, मगर ये टीआरआई में ही बैठ के हो गया है। तो हम निदेशक महोदय से भी, हम लोग जो टीआरआई के उनसे भी हम सवाल करते हैं कि आदिवासी समुदाय के लिए जो यहाँ पर शोध होने चाहिए थे वहाँ पर ये कुर्मी के जो राढ़ सभ्यता की का भी शोध पत्र कैसे तैयार हुआ, हमारा सवाल उनसे होता है। और इसीलिए हम लोग पूरा झारखंड जो है आज ही के दिन धनबाद में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है इसी मांग के विरोध में। तो अब आप सोच लीजिए कि पांचों प्रमंडल में जो ये बातें उठ रही हैं, जहाँ पर हमारे तो कई जैसे पलामू वगैरह में कम है, मगर सबकी भावना वही है कि जो नहीं है फर्जी लोगों का रास्ता रोकना बहुत ज़रूरी है, और इसी का हम विरोध तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं। आगे हमारी रणनीति, अगर रेलवे ट्रैक आदिवासी दर्जा देने का या किसी को जाति का आधार देने का वो बन सकता है तो फिर हम विरोध भी कर सकते हैं। आदिवासी समाज भी अब रेलवे ट्रैक में उतर के करेगा, और हम तब देखते हैं कि सरकार हमारे ऊपर कितने मुकदमे और केसेस करती है। बस इतना ही कहेंगे।